एमवी अस्पताल से एक कैदी पुलिसकर्मी को चकमा देकर भाग निकला। कैदी को रतलाम से उपचार के लिए एमवी अस्पताल लाया गया था, जहां वार्ड सफाई के दौरान कैदी पुलिसकर्मियों को चकमा देकर भाग निकला। मामले में सहयोगितागंज पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर कैदी की तलाश शुरू कर दी है। मामला प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमवी का है, जहां स्थित कैदी वार्ड से चालू नाम का कैदी भाग निकला। दरअसल कालू को रतलाम पुलिस उपचार के लिए लेकर आई थी, और रविवार सुबह जब वार्ड की सफाई हो रही थी, तभी खुले हुए गेट का फायदा उठाकर कालू भाग निकला। फरार कैदी मानसिक रूप से कमजोर है और मारपीट के मामले का आरोपी है। एमबीएच हॉस्पिटल में रतलाम जेल का एक कैदी कालू पिता अमर सिंह, ये खरगोन का निवासी है, ये इलाज के लिए भर्ती था जेल कैदी वार्ड में। ये भर्ती था, इलाज के दौरान जब सफाई कर्मचारी वहाँ पहुँचे, इसने मौका पाके वहाँ से धीरे से ये निकल गया है। रतलाम से जो गार्ड लगा हुआ था, उस गार्ड की रिपोर्ट पर से धारा 224 भारतीय दंड विधान के तहत प्रकरण दर्ज करके विवेचना में लिया गया है। तीन टीमें इसके लिए लगाई गई हैं सर्च के लिए, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन आदि पर भी सर्च कराया गया, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली है। इसका पता करने का प्रयास किया जा रहा है। सर, ये आरोपी कौन सी सजा काट रहा था? ये मानसिक रूप से कुछ कमजोर था। रतलाम के अधिकारियों से जब बात हुई है तो पता लगा है कि मानसिक रूप से कुछ कमजोर था, और ये पब्लिक के साथ कहीं मारपीट आदि कर रहा था। इसी दौरान में जब पुलिस पकड़ने पहुंची तो पुलिस पे भी इसने हमला कर दिया था, जिसमें धारा 325, 327 और अन्य धाराओं के साथ में इसके विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध था। ये दिनांक 18 फरवरी को, तीन दिन पहले ये एमबीएच में भर्ती कराया गया था, और आज सुबह करीब 10:30 बजे के आसपास ये निकल गया।